नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के वीडियो में यूटीआई म्यूचुअल फंड के एक यूनिक फंड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वो है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के बारे में। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक डेडिकेटेड एकमात्र फंड मार्केट में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप ऑटो सेक्टर में, ऑटो एंसरी सेक्टर में और दूसरे भी अगर आप देखें एलाइड सेक्टर में एक साथ निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे इस फंड के बारे में, इसके साथ साथ क्यों आपको ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर में करंटली निवेश करना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस फंड के करंट पोर्टफोलियो के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेरा अनुरोध दोस्तों यही रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपके पहचान में कोई ऐसे मित्र हैं और परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो थीमेटिक फंड में निवेश करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा फंड है जिसमें वो निवेश कर सकते हैं और यहां से आने वाले 3 सालों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर एक अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। सबसे पहले फंड के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करें। 130 का इस फंड का करंट एनएवी है। थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। सचिन त्रिवेदी फंड मैनेजर है, तकरीबन इनके पास 20 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। 2008 में यह फंड लॉन्च हुआ था और तकरीबन 14% के सीएजीआर से दोस्तों इस फंड ने रिटर्न बना के दिया है। 1 लाख का निवेश बन चुका है तकरीबन 9 लाख रुपए और इस फंड का एम है तकरीबन 1674 करोड़ का। दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स है जिसमें ये फंड अपना निवेश कर सकता है। सबसे पहले तो ऑटो ओईएम कंपनियां, जो अगर आप देखें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनियां होती है, जो आपकी ऑटो कंपनियां हैं, आपकी टाटा मोटर ले लीजिए, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, ये ऑटो ओईएम कंपनियां कही जाती है, तो यहां पे ये फंड अपना निवेश कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, ऑटो एंसिलरी कंपनियां बहुत ही बड़ा लिस्टेड यूनिवर्स है ऑटो एंसिलरी कंपनियों का, तो यहां पे भी ये फंड अपना निवेश कर सकता है। इसके साथ साथ रेलवे रिलेटेड कंपनियां हैं, उसमें भी कई सारी कुछ लिस्टेड कंपनियां हैं, पीएसओ कंपनियां हैं, वहां पे भी फंड अपना निवेश कर सकता है। पोर्ट, शिपिंग, शिपयार्ड सेगमेंट की भी कंपनियां हैं जहां पे फंड अपना पार्टिसिपेशन कर सकता है। एयरपोर्ट और एयरलाइंस में भी फंड चाहे तो निवेश कर सकता है। कुरियर और लॉजिस्टिक, ये भी अगर आप देखें एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। रिसेंटली ही अगर आप देखें डिलीवरी नाम की एक बहुत ही बड़ी कुरियर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो दोस्तों कुरियर एंड लॉजिस्टिक भी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वर्टिकल है और ये भी अगर आप देखें अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स बनता है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा डायवर्सिफाइड यूनिवर्स है। यहाँ पे मिड कैप कंपनियां भी हैं, लार्ज कैप कंपनियां भी हैं और कई सारी बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनियां भी हैं, तो डायवर्सिफाइड यूनिवर्स है जहां पे ये फंड अपना निवेश कर सकता है। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इसने कई सारे चैलेंजेस देखे हैं पिछले तकरीबन 5 सालों के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिसेप्शन आ रहा है, इसके साथ साथ कोविड के कारण स्लो डाउन हुआ और दूसरे भी अगर आप देखिए कई सारे डिसेप्शन हुए रिसेंटली। अगर आप देखिए मेटल के प्राइस, कमोडिटी के प्राइस बढ़े तो वहां पे भी कंपनियों पे मार्जिन प्रेशर आया, तो ये कई सारे अगर आप देखिए डिसेप्शन के बाद अब ये सेक्टर वापस ग्रोथ की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकता है। यहां से कमोडिटी प्राइस इज डाउन हो रहे हैं, कई सारी ऑटो ओईएम कंपनियों ने प्राइस हाइक ऑलरेडी अनाउंस किए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ कई सारी कंपनियां बढ़ रही है और वहां पे भी फ्यूचर में बड़ी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों, यहां से आने वाले 5, 10, 15 सालों के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ बहुत ही बड़ा वैल्यू माइग्रेशन होगा, तो वहां पे भी अगर आप देखें 2-व्हीलर और 4-व्हीलर कंपनी के लिए फिर से एक नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहां पे इंडियन कंपनियां भी अब अच्छा खासा अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है जो फ्यूचर में उनको रिटर्न बना के देगा। तो दोस्तों, यहां से इस सेक्टर में क्यों निवेश करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट अच्छा खासा R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट कर रहा है अलग अलग अगर आप देखें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव एक बहुत ही बड़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट सपोर्ट देता है। यहाँ पे ऑटो कंपोनेंट के लिए कई सारे PLI अनाउंस किए हैं जहां पे कई सारी कंपनी ने पार्टिसिपेट भी किया है। उसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट का भी ऑटोमोटिव मिशन प्लान है जहां पे अगर आप देखें मैन्युफैक्चर जो है उनके लिए गवर्नमेंट कई सारे पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और फेम दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिसी सपोर्ट है जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ग्रोथ में आगे जाके सपोर्ट करता रहेगा। दोस्तों, कई सारी जो ऑटो ओईएम कंपनियां हैं उन्होंने कई सारे रिसेंट पास में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी अनाउंस किए हैं, उनको ग्रोथ दिखेगी तो ही वो इन्वेस्टमेंट करेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। निशान अगर आप देखें आने वाले तकरीबन 5-10 सालों के अंदर 10 अगर आप देखें लोकेशन पे अपने कस्टमर सर्विस सेंटर्स खोलेगा और इसके अलावा निशान भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भारत में कई सारे अगर आप देखें तो नए वेरिएंट लॉन्च करने वाला है। मारुति सुजुकी दोस्तों,
2021 में मारुति सुजुकी ने तकरीबन 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था इनके हरियाणा के फैसिलिटी में, और रिसेंटली तकरीबन 2-4 दिन पहले ही इसी फैसिलिटी के लिए मारुति सुजुकी ने तकरीबन 11,000 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। तो मारुति सुजुकी भी अगर आप देखें अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी मारुति आगे जाके अपना नए वेरियंट लॉन्च कर सकती है। दोस्तों विश्व में अगर आपके वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू कंपनी है टेस्ला, और दोस्तों टाटा मोटर को भारत का टेस्ला कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टाटा मोटर फोर व्हीलर सेगमेंट में फ्रंट रनर कंपनी बन चुकी है इंडिया में, और जेएलआर के माध्यम से विश्व में टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बड़ा अपना अगर आप देखिए मार्केट शेयर गेन कर सकती है। रिसेंटली ही टाटा मोटर ने एक बहुत बड़े पीई फंड है टीजीपी उसके साथ मिलकर एक अगर आप देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है टीजीपी ने टाटा मोटर के इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिवीजन में। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टाटा मोटर का बहुत ही बड़ा फोकस है, और आगे भी टाटा मोटर कंटिन्यूअसली अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिवीजन में बड़ा निवेश करती रहेगी। इवन कमर्शियल व्हीकल में भी टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिवीजन में बड़ा निवेश कर रही है, तो ये भी टाटा मोटर के लिए आगे जाके अच्छी ग्रोथ ला सकता है। हुंडई मोटर ने भी दोस्तों तकरीबन 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, और वहां पे अगर आप देखें कई सारे ईवी लॉन्च हुंडई मोटर भी करेगी, और उसका अगर आप देखें हुंडई भारत की कंपनी है बट कई सारी ऑटो एंसरी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों ये भी दिग्गज कंपनी है अपने सेगमेंट की, ये भी तकरीबन 3,000 करोड़ का निवेश करने वाली है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के लिए, और तकरीबन 6,000 करोड़ का निवेश करने वाली है M&M ट्रेडिशनल व्हीकल सेगमेंट के लिए। तो कई सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं दिग्गज ऑटो कंपनियां हैं वो अब निवेश कर रही है। पिछले कुछ समय के अंदर ऑटो कंपनियों ने प्राइस हाइक भी लिया है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी, और इसके अलावा अगर आप देखें टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर भी इन सारी कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है, और धीरे धीरे अब देखें तो कमोडिटी प्राइस भी नीचे जा रहे हैं, स्टील के प्राइस भी नीचे जाए हैं, तो वहां पे कंपनी के मार्जिन भी आगे जाके इंप्रूव होंगे और बेस इफेक्ट भी कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो यहां से दोस्तों आने वाले 3-6 महीने में अगर आप निवेश करेंगे इन सेक्टर के अंदर, तो 3 साल के अंदर ये सेक्टर फिर से रिवाइव हो सकता है, जहां पे आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना है तो UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। चर्चा करें इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में, तो मारुति सुजुकी अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, यहां पे 16.6% का एलोकेशन फंड ने दिया है। मारुति सुजुकी दोस्तों फोर व्हीलर पैसेंजर कार सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखती है, और मारुति सुजुकी अब अगर आप देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कंपनी आने वाले समय के अंदर लॉन्च कर सकती है। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर सेगमेंट की विश्व की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। महिंद्रा के थार भी अगर आप देखें करंटली महिंद्रा थार जो है एक बहुत बड़े वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। महिंद्रा इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी कई सारे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका है। M&M एक होल्डिंग कंपनी भी है टेक महिंद्रा, और दूसरी भी ग्रुप कंपनियों में ये कंपनी अपना बड़ा निवेश भी रखती है। और दोस्तों रिसेंटली ही मार्क वैन न्यूज भी है कि M&M अपने पूरे के पूरे बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने वाला है, तो ये भी अगर आप देखें बड़ा अगर आप देखें कंपनी के लिए फ्यूचर में ग्रोथ का ड्राइवर बन सकता है। टाटा मोटर दोस्तों टाटा मोटर में 10% का एलोकेशन दिया गया है। टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक फ्रंट रनर कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, कई सारे कंपनी के इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपको रोड पे दिख जाएंगे अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, और धीरे धीरे जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वैसे वैसे भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी धीरे धीरे ग्रो होंगे, जहां पे टाटा मोटर एक कंपनी जिसने ऑलरेडी मार्केट को कैप्चर किया है। अगर आप इनके सेल्स के डेटा देखें तो हर महीने इनके ईवी सेल बढ़ते जा रहे हैं, और आगे भी कंपनी के कई सारे जो वेरिएंट है उसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर में भी इस फंड ने 11% के आसपास का एलोकेशन दिया है। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा था कई सारी जो छोटी प्राइवेट कंपनियां थी टू व्हीलर सेगमेंट में वो अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आ रही थी, बट वो जो अगर आप देखें जो कुछ इशू आए बैटरी रिलेटेड जो फायर के इंसिडेंट हुए उसके माध्यम से अगर आप देखें अब बजाज ऑटो जो बहुत ही अगर आप देखें कंजर्वेटिवली अपने चेतक को लॉन्च कर रही है मार्केट में। बजाज चेतक तकरीबन आपको 5-6 सिटी में ही मिलता है, तो बजाज ऑटो इस सेगमेंट में धीरे धीरे काम कर रही है, और ये आपको दिखाता है कि बजाज ऑटो जो तकरीबन 40 साल से टू व्हीलर बना रही है वो समझती है कि कैसे आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, कैसे थोरली आपको टेस्टिंग करनी है, और बजाज चेतक टू व्हीलर सेगमेंट में फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में टू व्हीलर में एक मार्केट लीडर फिर से बन सकती है। चेतक जानी मानी ब्रांड भी थी। इसके अलावा बजाज ऑटो के थ्री व्हीलर में भी बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। एक्सपोर्ट में भी बजाज ऑटो का तकरीबन 30% से ऊपर का रेवेन्यू आता है, तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी आगे जाके बजाज ऑटो अपना अगर आप देखिए ग्रोथ बनाए रखेगा। तो यहाँ पर तकरीबन 9.3 का लोकेशन फंड ने दिया है। दोस्तों आगे जाके पोर्ट में भी बड़ी एक्टिविटी बनी रहेगी, जहां पे अदानी पोर्ट भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है, तो यहां पे भी फंड ने 7.8 का एलोकेशन दिया है। आयशर मोटर
इसका एक अलग ही मार्केट है इनका। अगर आप देखें रॉयल एनफील्ड जाना माना ब्रांड है, इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल में भी आयशर मोटर अपना बिजनेस रखता है। अशोक लेलैंड, दोस्तों अशोक लेलैंड फोर व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। भारत के अलावा यूके में भी इनका एक सब्सिडी है जहां इसके माध्यम से कंपनी कमर्शियल इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम कर रही है। तो ये एक ग्लोबल प्लेयर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के अंदर। हीरो मोटो ये भी बेहतरीन कंपनी है, अपना सब्सिडी है जिसका नाम है एथर, उसके माध्यम से कंपनी अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी फॉरे कर रही है। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी तकरीबन 2.3 का एलोकेशन दिया है और यहां से मॉनसून अच्छा होगा तो टू व्हीलर के लिए भी अच्छी ग्रोथ शॉर्ट टर्म में बन सकती है। बोस लिमिटेड बेहतरीन अगर आप देखें ऑटो एंसरी एमएनसी कंपनी है, यहाँ पे 2.3 का लोकेशन फंड ने दिया है। अपोलो टायर, टायर सेगमेंट ने भी बहुत ही बड़ा स्लोडाउन देखा है और यहाँ से टायर सेगमेंट के लिए भी अच्छी ग्रोथ वापस आ सकती है। तो यहाँ पे भी अपोलो टायर में 2% का लोकेशन है। कॉनकॉर्ड दिग्गज कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और इसका अगर आप देखें प्राइवेट डेट से भी होने वाला है तो कॉनकॉर्ड में भी 1.7 का लोकेशन फंड ने दिया है। भारत फोर्ट में भी अलोकेशन है, ये अगर आप देखें डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखें यूएस के मार्केट में भी अपना बड़ा प्रेजेंस रखती है। वीआरएल लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मिंडा ग्रुप एक बेहतरीन ऑटो एसरी कंपनी है। दोस्तों और चर्चा करें इस पोर्टफोलियो के बारे में, तो फंड के पोर्टफोलियो में 34 शेयर है जहां पे ऑटो ओएम कंपनियां भी है, आपके ऑटो एंसरी कंपनियां है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की कंपनियां, लॉजिस्टिक की कंपनियां भी फंड के पोर्टफोलियो में। 96% इक्विटी एलोकेशन है। टॉप 10 कंपनियों में एलोकेशन 75% का, जो टॉप 10 कंपनियां हैं जो आपके दिग्गज ओएम कंपनियां हैं वहां पे बड़ा एलोकेशन है। एवरेज मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है, लार्ज कैप तकरीबन 72, मिड कैप तकरीबन 14 और स्मॉल कैप में 11% एलोकेशन फंड ने दिया है। तो दोस्तों ये था यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड। दोस्तों यहां से कैसे आपको इस फंड में निवेश करना है, तो यहां से अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो एक साथ निवेश नहीं करना है, एसआईपी भी नहीं करनी है, इसमें आपको एसटीपी लेनी है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अगर आपको आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो ही आपको यहां पे निवेश करना है और बड़ा एलोकेशन भी नहीं देना है। आपके टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का तकरीबन 15% एलोकेशन यहां पे आप दे सकते हैं। यहां से 3 महीने का आपको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान लेना है वीकली बेसिस पे। 3 महीने के अंदर आपका जितना भी कैपिटल है उसको आप लिक्विड फंड में पार्क कीजिए और उसके बाद वीकली सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लीजिए 3 महीने के लिए, और उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 साल इस फंड को देने हैं, तभी ये फंड आपको एक अच्छा अल्फा बना के दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपको इस फंड में निवेश करना है तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा दोस्तों, एक यूनिक फंड है अपने कैटेगरी का, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट मंत्र चैनल को शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।